कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, सिग्नल सिस्टम को ओवर यूज इसलिए वैसे कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज है, कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है, सैम्पलिंग थ्योरम है। सैम्पलिंग में सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग प्लस क्वांटाइजेशन को सैम्पलिंग थ्योरम कहते हैं। डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज है, एनालॉग को डिजिटल कन्वर्ट कर देती है सैम्पलिंग के थ्योरम के थ्रू। लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। डिजिटल फिल्टर, डिजिटल टेक्निक यूज की जाती है एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए। सिग्नल्स क्या होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जो इंफॉर्मेशन से वेरी होती है, वो कहलाता है सिग्नल, जैसे वॉइस है, पिक्चर्स है। सिस्टम क्या होते हैं, इंटर कनेक्शन ऑफ डिवाइसेज कंपोनेंट दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ सिग्नल टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड सिस्टम। यानी एक फॉर्म के सिग्नल को दूसरी फॉर्म में जो बदलता है वो कहलाता है सिस्टम। जैसे सिग्नल हमने बंद दिया, उसको सही सिग्नल सेकंड में बदल दिया। एग्जाम्पल के जैसे एम्पलीफायर है, फिल्टर्स है, ट्रांसड्यूसर है, एटीन्यूएटर है, सिग्नल के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदलने का काम करते हैं। ऑपरेशन ऑन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, थ्री बेसिक ऑपरेशन होते हैं किसी भी कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के ऊपर। सबसे पहले टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग में क्या होता है, सिग्नल को हम हाइट में शिफ्ट करते हैं। टाइम शिफ्टिंग में दो तरह की शिफ्टिंग होती है, टाइम शिफ्टिंग में टाइम डिले होता है और टाइम एडवांस होता है। टाइम डिले में हम राइट शिफ्ट करते हैं किसी सिग्नल को, जैसे ये उदाहरण है XT-4, तो इसको राइट में शिफ्ट कर देंगे। नहीं सिग्नल यहाँ तो यहाँ शिफ्ट कर देंगे। किस तरह की शिफ्टिंग करते हैं, जैसे ये सिग्नल है T-4 में प्लस फोर दोनों सिग्नल में ऐड कर देंगे तो शिफ्टिंग हो जाएगी। टाइम एडवांस में लेफ्ट शिफ्ट करते हैं सिग्नल को, जैसे इस तरह से डिनोट करते हैं XT+4, उसको लेफ्ट शिफ्ट करते हैं। लेफ्ट शिफ्ट मतलब इसमें से -4 -4 करते हैं, -4 -4 ऐड कर देंगे इस तरीके से लेफ्ट शिफ्ट। अब है टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, किसी भी सिग्नल का मिरर इमेज लेते हैं तो उसे कहते हैं टाइम रिवर्सल ऑपरेशन। टाइम रिवर्सल के मतलब है कि सिग्नल को रिवर्स कर देंगे बाई एक्सिस के कंपेयर। शिफ्टिंग ऑफ टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल चेंज बट देर इज नो चेंज इन विड्थ दैट इज ड्यूरेशन ऑफ सिग्नल। यानी टाइम रिवर्सल में इसकी विड्थ में कोई चेंज नहीं होता है। अब है टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन में दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक तो टाइम कंप्रेशन होता है और एक टाइम एक्सपेंशन होता है। टाइम कंप्रेशन क्या होता है, जब अल्फा का मान 1 से ज़्यादा हो, जैसे by T x to T है, तो इसमें क्या होगा टाइम कंप्रेशन। टाइम कंप्रेशन का मतलब है कि रिड्यूस हो जाएगी विड्थ, विड्थ है वो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी। ये विड्थ है वो दो के फैक्टर से रिड्यूस हो गई है, तो अल्फा का मान 2 से ज़्यादा था, इसमें दो के फैक्टर से रिड्यूस हो गई है। दो के फैक्टर से रिड्यूस होने का मतलब है दो का भाग दे दिया है और इसकी विड्थ रिड्यूस हो गई। अब टाइम में एक्सपेंशन, टाइम एक्सपेंशन में अल्फा का मान 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन इसको डिनोट करने के लिए T/2 या 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, दो के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ये है सिग्नल, इसको दो के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हो गया है टाइम एक्सटेंशन। ये सिग्नल है, इसमें ऑपरेशन दिखाए गए हैं कि सबसे पहले सिग्नल क्या करना है। सबसे पहले सिग्नल को एडवांस करना है 4/3 से, 4/3 से एडवांस करने के बाद में इसका रिवर्सल करंट देना, तो ये सिग्नल आ जाएगा फाइनल। या पहले टाइम रिवर्सल कर सकते हैं, टाइम रिवर्सल करने के बाद में इसको डिले कर सकते हैं 4/3 से, तब ये सिग्नल आ जाएगा। इस तरीके से ये सिग्नल और ऑपरेशन किए गए हैं। जैसे ये सिग्नल है, इस सिग्नल में क्या है, सबसे पहले स्केल किया गया है 1/3 से, 1/3 से स्केल करने के बाद में इसका टाइम रिवर्सल किया गया है। जैसे ये सिग्नल है, इसमें क्या है, सबसे पहले सिग्नल को एडवांस किया गया 5/6 से, एडवांस करने के बाद में इसमें क्या है, सबसे पहले एडवांस किया गया है, उसके बाद में स्केलिंग की गई है, उसके बाद में रिवर्सल किया गया है। जैसे सबसे पहले टाइम रिवर्सल कर दिए, फिर स्केलिंग कर दी 3/4 से, फिर डिले कर दीजिए। यानी इस तरह के सिग्नल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी टी इधर की साइड बचना चाहिए, टी की फॉर्म में पहले लाते हैं इसको, टी की फॉर्म लाने के बाद में इसमें कोई भी ऑपरेशन वो करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे वो 3/4 है टाइम स्केलिंग में, 3/4 यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगर
डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पर ऑपरेशन कैसे करते हैं? जैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे रखा है, इसको ऑपरेशन करनी है एक्स n+3। n+3 का मतलब है इसमें हम 2 0 सेंटर में इनके बीच में 2 0 ऐड कर देते हैं। टाइम शिफ्टिंग है, टाइम शिफ्टिंग में एरो को शिफ्ट करते हैं, जो भी दे रखा है उसको एरो शिफ्ट करते हैं। इसमें अल्फा है वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो टाइम शिफ्टिंग भी इसमें भी 2 प्रकार की होती है। जैसे टाइम डिले, टाइम डिले में वही इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं सेम तरीके से, लेकिन इसमें राइट शिफ्ट करते हैं एरो को, एरो को राइट शिफ्ट करते हैं, फोर्स शिफ्ट कर देते हैं। यानी ये 3 है। अब ये है टाइम डिले। टाइम डिले कब होगा? ये सिग्नल को पूरे को राइट शिफ्ट करते हैं, पूरे सिग्नल को n/n-4 है, तो n-4 का मतलब 3 4 से शिफ्ट कर दिए हम। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लेफ्ट शिफ्ट कर दिया टाइम डिले। तो एरो को लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तब सिग्नल राइट शिफ्ट होगा। ऐसे टाइम एडवांस में एरो को राइट शिफ्ट करेंगे तो सिग्नल एडवांस होगा। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। और इसको फोर शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 2 0 ऐड कर दें। टाइम रिवर्सल में इस तरीके से कर सकते हैं, 3 पैरो तो 3 रख देते हैं, 4 2 एक्सचेंज कर दिया, 5 और 1 एक्सचेंज कर दिया, इस तरीके से रिवर्सल कर देते हैं। जैसे ये सिग्नल है इसका रिवर्सल करना है, तो 5 और 3 को एक्सचेंज कर दिया, 5 और 3 को एक्सचेंज कर दिया, फिर 0 और 2 को एक्सचेंज कर दिया, इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, फिर इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया, इस तरीके से रिवर्सल करते हैं। इसका भी रिवर्सल करना है तो इसको भी रिवर्स कर सकते हैं। इसका रिवर्सल लिया है, इसका रिवर्सल ये, इसका रिवर्सल है, इसको इस तरीके से दिखाया गया, क्योंकि 0 0 को इग्नोर कर सकते हैं। टाइम स्केलिंग, अब टाइम स्केलिंग भी इसमें 2 प्रकार की होती है। वही इसमें एक्सपेंशन टाइम जो कंटिन्यूस टाइम है उसमें एक्सपेंशन है, टाइम जो स्केलिंग है कंटिन्यूस में टाइम एक्सपेंशन, और टाइम कंप्रेशन है इसमें है, और टाइम डेसिमेशन है, और टाइम इंटरपोलेशन। टाइम इंटरपोलेशन और टाइम डेसिमेशन, टाइम डेसिमेशन के मतलब है सिग्नल को डेसिमेट करने का काम करते हैं। जैसे 2n है तो 1 1 सिग्नल को डेसिमेट कर देंगे, 1 2 3 4 5 है, 1 3 5 है, डेसिमेशन का काम करते हैं। अब है टाइम इंटरपोलेशन। टाइम इंटरपोलेशन में बीच में ऐड करते हैं, कोई भी 0 है वो ऐड करते हैं, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई n, xn-xn/2। इसमें क्या करते हैं,